सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का कैप्टन बनाकर कांग्रेस विवाद खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जिस तरह से सिद्धू ने पार्टी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में खड़ा करके जमघट लगा करके शक्ति प्रदर्शन किया, उससे कैप्टन को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उधर कैप्टन शांत हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सिद्धू के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं की भीड़ उमड़ी, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या कैप्टन का खेमा अब कमजोर हो चला है। अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू की कोशिश खुद को कैप्टन के मुकाबले ज्यादा मजबूत नेता और ज्यादा कार्यकर्ताओं की पसंद दिखाने की रही, और इसके लिए सिद्धू ने अघोषित शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना। ये तस्वीर उसी की झलक है जिसमें विधायक हैं, कैप्टन सरकार के मंत्री हैं, पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी। वैसे तो ये तस्वीर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अहाते की है जहाँ सिद्धू मत्था टेकने पहुंचे थे, लेकिन अपने साथ साथ नेताओं का ऐसा दल बल लेकर उनके पहुंचने को धार्मिक से ज्यादा सियासी शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दावे कुछ और ही हैं। आज पूरी समुची टीम जी नवी नियुक्त हुई है, साडे जाखड़ साहब सारे ही MLA साहबान ते मंत्री साहबान अज इस आदि अनंत श्री दरबार साहब की इस पवित्र धरती ते नतमस्तक होने वास्ते आए सी। गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया कि सच्चे पातशाह जिहड़ी यह जिम्मेवारी सानू मिली है, इस जिम्मेवारी नू असी इमानदारी ते खड़े होके दृढ़ता नाल निभाउण दी सानू ताकत बख्शो। जितने लोग स्वर्ण मंदिर के अहाते में, उतने ही स्वर्ण मंदिर के बाहर समर्थकों के इसी हुजूम के बीच सिद्धू का काफिला और उनके घर से निकली दो बसें यहां पहुंची, जिनसे नेता, विधायक और मंत्री उतरते नजर आए। बताया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से जारी खींचतान के बीच जब सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर जाने की योजना बनाई तो उसी वक्त शक्ति प्रदर्शन का विचार आया। फिर तो पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तरफ से घर पर चाय नाश्ते की पार्टी रखी गई और इसमें कैप्टन को छोड़कर बाकी नेताओं को शामिल होने का न्योता भेज दिया गया। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। आलाकमान की पसंद बनकर उभरे सिद्धू के न्योते पर उनके घर 80 में से 62 विधायक पहुंचे। इसके अलावा कैप्टन सरकार के 3 मंत्री भी पहुंचे। नाश्ते पर जुटे मेहमानों में कई जिलाध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन भी नजर आए। यहां पहुंचने वाले नेताओं ने इसे शक्ति प्रदर्शन तो माना, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं। नाश्ते पर जुटे नेताओं की तस्वीर सिद्धू के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर भी डाल दी, जिसका मकसद कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर पार्टी आलाकमान तक को संदेश देना बताया गया। सिद्धू ने सबसे पहले सुबह पार्टी के नेताओं को नाश्ते के बहाने अपने घर इकट्ठा किया, उसके बाद बस में सवार होकर अमृतसर पहुंच गए। अब सबको इस बात का इंतजार है कि सिद्धू अध्यक्ष पद की कुर्सी कब संभालेंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 11 बजे दिन में सिद्धू चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में अध्यक्ष का पद संभालेंगे, लेकिन इस बीच सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुप्पी कब टूटती है। कैप्टन मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक बयान जारी करके कहा कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ सभी मसले हल नहीं कर लेते, वो निजी रूप से उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को आलाकमान का फैसला बताते हुए उसका स्वागत किया। कैप्टन के समर्थन में एक मंत्री का तो बयान आया ही, साथ ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल का एक ट्वीट भी सामने आया। इसमें रवीन ठुकराल ने लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई वक्त नहीं मांगा है। नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। ठुकराल ने मुख्यमंत्री की दो अलग अलग अंदाज वाली दो तस्वीरें ट्वीट करके ये संदेश देने की भी कोशिश की कि पंजाब की सरकार के मुखिया अभी भी वो ही है। इस सियासी अनबन के नतीजे का अंदाजा पंजाब कांग्रेस के नेताओं को है, इसलिए कुछ नेता दोनों के बीच सुलह की जरूरत बताते दिखे। इस पूरे मामले में अब तक न सिद्धू ने चुप्पी तोड़ी है और न ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने, लेकिन दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। अब तक तो यही लग रहा है कि जिस मामले को आलाकमान ने सुलझाने की कोशिश की वो फिलहाल तो पूरी तरह सुलझा नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। विपक्षी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी कलह में अब भी उलझी हुई है। इसी कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। सिद्धू और कैप्टन की ताजा जंग का हल कांग्रेस आलाकमान क्या निकालेगा, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है।